हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी यादव। स्वागत है आपका मेरे होम रेमेडीज एंड ब्यूटी टिप्स चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम खाने से स्टार्ट करते हैं। आपको पहले महीने से ही अपनी डाइट में ऐसा भोजन लेना है जिसमें आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, बच्चा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी से ब्लड खींचता है। इसीलिए लास्ट के 8वें और 9वें महीने में हीमोग्लोबिन बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको इस दौरान एक्सरसाइज करते रहना है। इसके लिए यदि आप अपने घर का डेली रूटीन का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, जिसमें झाड़ू पोछा करना प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक परफेक्ट एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आप जॉब करती हैं, आपका फुल वर्किंग डे रहता है, तो आपको जो प्रेग्नेंसी पीरियड में एक्सरसाइज की जाती है, आप उन्हें करें। मैंने इस पर अभी कोई वीडियो नहीं बनाया है, मैं आगे इस टॉपिक पर एक्सरसाइज का वीडियो बनाऊंगी। आप यूट्यूब पर प्रीनेटल योगा का वीडियो सर्च करके आप उसे भी कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज बताती हूँ, आप उसे ज़रूर करें अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, आप सुबह शाम वॉक करें, जो कि आपको फर्स्ट मंथ से ही शुरू कर देना है, जिसका टाइम आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते जाएं। स्टार्टिंग में आप 10 से 15 मिनट तक टहलें, फिर उसके बाद कुछ देर रेस्ट कर लें। इसी तरह आपको अपना टहलने का टाइम बढ़ाते जाना है, और आपको 1 घंटे सुबह और शाम टहलना जरूर है। ऐसा करने से आपके मसल्स लूज होते जाएंगे, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस का भी बहुत अधिक इफेक्ट प्रेगनेंसी में पड़ता है, इसलिए आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। क्योंकि होता क्या है, स्ट्रेस की वजह से बच्चे का मूव करना स्लो हो जाता है, जिससे डिलीवरी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको 8वें महीने के लास्ट से रात को सोने से पहले 1 ग्लास हल्का गर्म दूध लेना है। उसमें आप 1 चम्मच घी डालें और इसको आप पिएं। ऐसा करने से जब फैट आपकी बॉडी में जाएगा, जिससे बच्चा चिकना होने लगेगा, उसका मूवमेंट करना बढ़ जाता है, और जब आपको लेवर पेन होगा तो बच्चा आसानी से नीचे की ओर खिसकने लगेगा। इससे जो लेवर पेन है वो भी आपको कम होगा और आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। जब आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपको हल्का गर्म पानी लेना है। उसमें आप 4-5 ड्रॉप डिटॉल डालें। इसके बाद आपको अपने प्राइवेट पार्ट पर पानी डालते हुए 2 मिनट तक साफ करना है। ऐसा आपको दिन में 1 बार करना है, जिससे डिलीवरी के टाइम आपके बच्चे को कोई इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा। इससे यूट्रस में गर्मी पहुंचती है, और जब आपको लेवर पेन होगा तो यूट्रस आसानी से खुल जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नीचे बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।